हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। आज देखते हैं हमारा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस है, ये एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि कोई कन्वेक्स या कनकेव लेंस है, तब तो आपके लिए आसानी हो गई। बट अगर कहता है कि कोई डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग लेंस है तो आपको यह फंसना पड़ेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? देखते हैं क्या होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस तो वो लेंस जो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज मतलब मिला देती हैं आपस में, हम उस लेंस को बोलते हैं। ये हमारी कन्वर्जिंग लेंस है, तो हम इसे कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। ये हमारा कन्वेक्स लेंस का फिगर हो गया। क्या करता है ये? अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करती है इसके बीच से तो ये उन लाइट्स को आपस में मीट करवा देता है, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस वैसे हम कनकेव लेंस भी कहते हैं। हाँ, कनकेव लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये रे ऑफ लाइट को वैनिश करता है एटमॉस्फेयर में। अगर ये हमारा एक फिगर है कनकेव लेंस का, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके अंदर इंटर करती है, पास करती है, तो वो एटमॉस्फेयर में वैनिश हो जाती है, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और यहाँ पर जो इमेज है वो फॉर्म होती है, इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो वो तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर कोई डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कि वहाँ पे कोई कनकेव लेंस है, और अगर कहता है कि कोई कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब वहाँ पे कोई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और हमारे आज की वीडियो की हर इसमें इतना ही था। और अगर आपको देखना है कि हमारा क्या होता है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट और वैसे इमेज में, आराम से हमने एक्सप्लेन किया उसको 2 मिनट की वीडियो में। तो अगर आप वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारी इमेज है वर्चुअल रियल क्या होती है। आप वीडियो को चेक करके मिल जाएगा बॉक्स में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।